हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जयपुर व्लॉग्स में। और गाइस, आज की जो राइड है हम करने वाले हैं इवनिंग राइड, क्योंकि यार हमारा जो जयपुर है आज बहुत शानदार वाला सजा है। तो अभी हम जाएंगे यार पहले तो सिटी, अभी हम WTP हैं। वैसे तो हमारा जो मीटअप पॉइंट था वो अपना चांदपुर में था, बट अभी हमने सोचा कि यार जो मानसूर वाले बंदे हैं वो WTP में मिलते हैं, उसके बाद WTP से हम सीधा सिटी निकलेंगे चांदपुर। तो अभी यार बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, क्योंकि हमारे जो सोनू भाई हैं वो और अभिषेक मिश्रा दोनों के दोनों लेट हैं। उनको हालांकि 6:30 का टाइम दिया था और अभी हो चुके 7:30। तो अभी हम यहाँ से यार निकलते हैं। मैं आपको पहले यार यहाँ का जो WTP है वो दिखा देता हूँ कि यार किस तरीके से सजा है, और रोशनी वगैरह की जो यहाँ की जो चांदनी है वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से सजाई गई है। तो चलो यार जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस ये है हमारा WTP, हमारा तो क्या मतलब जिसका है उसका है। तो ये इस तरह का सजावा यार आप देख लो, ऊपर ऊपर तक, बहुत ऊपर तक है यार ये। तो अभी यार अपने जो राइडर्स वगैरह है वो भी सारे आ चुके हैं, आगे जाके खड़ी है अपनी पैनली राइट साइड पे खड़ी है अक्षय भैया की R15V3, सॉरी अभिषेक भैया की है ये। उसके लेफ्ट साइड पर खड़ी है हमारे सोनू भैया की RS, और जस्ट उनके पीछे खड़ी है हमारी अक्षय भैया की R15। और यही वो आदमी है, यही वो आदमी जो सबसे लेट आया है। इसी आदमी ने हमको आधा घंटा लेट किया है, 5-5 मिनट बोल के आधे घंटे लेट आया है, और ये वाली गाड़ी लेके आई है। यही है वो इंसान जो राइड पे सबसे लेट उठता है और सबसे लेट आता है, पूरी राइड को पूरी खराब करता ही है, ये वो इंसान ही है। तो ये अक्षय भैया है, ये सोनू भैया, इनको तो जानते ही हो जयपुर सफारी। ये विशाल भैया हैं, ये हमारा रवि सिलेंडर। तो आज हमारे सोनू भैया फुल पठानी मूड में आए हैं। तो चलो यार चलते हैं जल्दी से अपनी बैनली पे, करते हैं तो गाइस हमारी यार फाइनली जो राइड है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो यार अभी हम चलेंगे GVD से सीधा चांदपोल, वहाँ पे आसिफ भाई हमारा वेट कर रहे हैं, और चल के यार जल्दी से देखते हैं यार इस बार की जो लाइटिंग वगैरह है वो किस तरीके से हुई है। आज यार काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैं लाया हूँ पैनली TNT। यार काफ़ी समय से यार घर पे खड़ी थी, चलाने की इच्छा नहीं हो रही थी, फिर सोचा यार इसको आज बाहर निकाल लेता हूँ, नहीं तो यार बैटरी पड़े पड़े डाउन हो जाएगी। तो यार अभी हम यहाँ से जाएंगे सीधा चांदपोल, चांदपोल से नारगढ़ रोड जाएंगे, मे भी शायद नारगढ़ ऊपर भी जा सकते हैं, और आमेर जाने का प्लान बन रहा है। अभी चांदपोल पहुँच के देखते हैं यार आसिफ भाई क्या बोलते हैं, अगर आसिफ भाई बोलते हैं चलने के लिए तो चलते हैं। तो यहाँ से भी यार गेट बंद कर रखा है इन्होंने, यार ये काम ख़राब हो गया यार, कोई ना यार यहाँ से रास्ता है क्या। यार एक बार बस सेलेंट मार का यार रोड मिल जाए, कि यार इधर से यार इन्होंने रोड वगैरह जो है वो बंद कर रखे हैं।
सीधा जाऊंगा। तो कहते हम फाइनली यार जलन वाले मार्क रोड पे तो आ चुके हैं यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था यार। मतलब ये मान लो यार बहुत भयंकर ट्रैफिक हो रहा है आज के दिन। तो अब देखते हैं यार आगे जाके यार कितना और ट्रैफिक मिलता है, कितनी परेशानी आने वाली है, क्योंकि अभी कुछ पता ही नहीं। सिटी के अंदर यार अभी बहुत ट्रैफिक होगा, क्योंकि यार दिवाली का सीज़न है तो आपको पता ही है यार। देखते हैं यार आगे जाके कैसी होने वाली है राइड। मुझे तो पता है यार मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान होने वाला हूँ। अब देखते हैं यार आगे जाके, वैसे मज़ा भी बहुत आने वाला है, थोड़ी सी यार ट्रैफिक में परेशानी भी होने वाली है, क्योंकि यार दिवाली में सारे के सारे यार एक साथ शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं। तो यार अभी कुछ आइडिया वगैरह नहीं है अभी कितना ट्रैफिक मिलेगा आगे और कितनी परेशानियाँ झेलनी पड़ेगी। लास्ट टाइम मैं आया था तो यार मेरी किसी से बहसबाजी हो गई थी, तो दोस्तों वगैरह ने यार थोड़ा सुलझाना वगैरह करवाया था यार। अभी ये पता नहीं आज इस बार साल जो है दिन कैसा जाता है, तो देखते हैं यार। गाइस वो अभिषेक भैया, अक्षय भैया सॉरी, ये अभिषेक भैया, ये हमारा सोनू भाई। तो अभी चार गाड़ियां हैं और बाकी अपने को दो लोग अपने को चांदपुर मिलेंगे। SMK भाई, SMK वो बड़े वाले यूट्यूबर वाले भाई नहीं है, हमारे छोटे वाले हैं। और एक हमारे आसिफ व्लॉग भी अपने जयपुर में दो हैं, एक है ओनली आसिफ व्लॉग्स और एक है राइड विथ आसिफ। सर गाइस मैं मिलता हूँ आपसे डायरेक्ट चांदपोल हमारे मेन मीटअप पॉइंट पे। तो गाइस यार अभी हम जा रहे हैं पहले तो जलमहल पे। आसिफ भाई और MSK भाई भी दोनों वहीं हैं, वो हमारा वेट कर रहे हैं। तो यार अभी एक्चुअली क्या है कि अंदर वाले रोड से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, इस चक्कर में यार हम पीछे वाले रोड से जा रहे हैं। फिर वहाँ से यार आते टाइम पे यार अंदर की जो लाइटिंग वगैरह है वो कवर करेंगे हम। तो पहले तो चलते हैं सबसे पहले जलमहल, उसके बाद वहाँ पे जाके प्लान करेंगे कि हमको नारगढ़ जाना है या आमेर जाना है। तो अब चलते हैं यार जल्दी से। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे डायरेक्ट जलमहल पे। तो गाइस हम फाइनली यार जलमहल वाले रोड पे यार आ चुके हैं यार। वाकई में यार बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और यहाँ पे यार आधे से ज़्यादा यार रास्ते बंद पड़े थे। जैसे तैसे करके यार हम फाइनली जलमहल वाले रोड पे तो पहुंच चुके हैं। आसिफ भाई भी जाते ही गालियां देंगे, बोलेगा यार कमल भाई एक घंटे से परेशान कर रखा तुमने, आप पाँच मिनट में आया। लेकिन यार क्या करूँ यार, ट्रैफिक ही इतना था कि यार पूछो मत। और मुझे लग रहा है कि ये भी शायद अभी पहुँचे, देखते हैं यार कहाँ है वो, आइडिया मुझे भी नहीं है कहाँ पर होंगे वो। तो पहले तो उनको ढूंढना पड़ेगा यार। पहले तो यार सॉरी गाइस मैं रॉन्ग साइड आ रहा हूँ। यार ये तो दिख ही नहीं रहे यार कहाँ है बंदे। तो फाइनली यार यहाँ जलमहल तो पहुँच चुके हैं और अभी हो रहा है हमारा लाइनअप। मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी सी देर में लाइनअप कंप्लीट होने के बाद। गाइस तो यार ये है हमारा जलमहल, तो आप देख सकते हैं यार क्या लाइटिंग आ रही है। अभी थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ओ गाइस ये है जलमहल यार, ये पूरे टाइम ऐसे ही चमकता है पूरी लाइटिंग वगैरह। अंदर जाने के यार अभी कोई प्रोग्राम वगैरह कुछ अता पता है नहीं, अंदर जाना अभी अलाउ कर रखा है या नहीं कर रखा। तो बाकी इन फ्यूचर, लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था अगर इन फ्यूचर अगर जाना हुआ तो जाएंगे यार। बाकी तो यार
मतलब ड्रीम है यार इसके अंदर जाना और देखना कि क्या है अंदर। और बाकी में यार बनाया बहुत शानदार है ये, चारों तरफ पानी है इसके, बीच में एक किला बनाया हुआ है। तो अब चलते हैं यार जल्दी से, मैं आपको हमारा लाइनअप दिखा देता हूँ। तो गाइस ये है सोनू भैया की गाड़ी, ये है हमारे अभिषेक भैया की गाड़ी, और ये है मेरी मैंने ली, ये है आसिफ भाई की गाड़ी, और ये है अक्षय भैया की गाड़ी। तो ये अपनी टीम है पूरी, अक्षय भैया, विशाल भाई, सोनू भाई, अभिषेक और ये आसिफ भाई हैं। तो यार गैस अभी हम जाएंगे नारगढ़, नारगढ़ पे जाके देखते हैं यार कैसा व्यू वगैरह आ रहा है और वहाँ पे कितना टाइम लगेगा, अभी कुछ पता है नहीं क्योंकि यार ऑलरेडी लेट हो चुके हैं हम। तो अभी सबसे पहले चलते हैं नारगढ़, उसके बाद देखते हैं आगे का क्या प्रोग्राम है। तो गैस फाइनली हमारी जो राइड है वो स्टार्ट हो चुकी है नारगढ़ के लिए। तो यार अभी हम जा रहे हैं नारगढ़, नारगढ़ पे यार अभी अपने एक मित्र और आ रहे हैं, अपने विक्रम भाई। तो देख सकते हैं यार अभी बड़ी से बड़ी होटल और छोटी छोटी होटल इस तरीके से यार सजी हुई है लाइटिंग से, जो कि यार बहुत प्यारा लुक आ रहा है। अभी होटल है क्या मुझे आइडिया नहीं है। तो सबसे पहले यार चलते हैं, अपना जो मेन फोकस है वो भी अपने नारगढ़ का है, नारगढ़ पे थोड़ा सा बैठेंगे, चिल वगैरह करेंगे, और उतने में फिर अपने विक्रम भाई भी आएंगे। यार विक्रम भाई एक्चुअली क्या गाँव निकल गए थे, गाँव से फिर अभी आए हैं, और उन्होंने हमको फ़ोन किया कि यार भाई मैं भी आ रहा हूँ राइड पे। अब चलते हैं यार देखते हैं ऊपर से कैसा होगा, कैसा नज़ारा आएगा। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे, तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी सी देर बाद। तो गाइस हम फाइनली यार नारगढ़ के मेन ऊपर आ चुके हैं, और देख सकते हो यार ये अपनी सिटी है, ये जयपुर सिटी, आप देख सकते हो क्या लुक आ रहा है। अब यार मैं जूम करके तो दिखा नहीं पा रहा, क्योंकि अगर जूम करूँगा तो पिक्सल वगैरह जो है फट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे यार धुआं कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ही है। बाकी मैं जितना जूम हो सका उतना थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो ये यार सिटी, तो यार अब चलते हैं जल्दी से नीचे, और नीचे चल के थोड़ा सा यार सिटी के जो लाइटिंग वगैरह है वो देखते हैं क्या है क्या नहीं है। और ये हालांकि कुछ दिख नहीं रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो मैं लास्ट में काट दूंगा। हाँ अब ठीक है, तो यही है वो जो अभी चिल्ला रहा था आदमी। तब चलते यार गए जल्दी से नीचे।